तो ये कह रहा था यूनिक 18 मॉडल, तो सारी गाड़ी की कीमत एक तरफ और जो मैंने पीछे नंबर प्लेट लगाई हुई है ना, जरा इसको देखे भाई, इसकी कीमत एक तरफ। भाई हमारी 70 खड़ी हुई है और वो वहाँ पर हमारी सीडू खड़ी हुई है, तो अभी बस चलते हैं सीधा रऊफ की तरफ। यार रऊफ को देखते हैं ना, कलर वगैरह करवाएं ना इसको, यार उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे बताओ। तो गाइस ये फाइनली हमारा रंग इसमें अंदर उतर गया है। हमारा आज का कारीगर होगा अब्दुल रऊफ चन्ना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग जी शुरू कर रहे हैं, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान है तो रहम करने वाला है। तो आज का कुछ यूज नहीं है कि जी भाई, आज बहुत ही जबरदस्त कंटेंट होने वाला है, एक सेटिस्फाइंग व्लॉग बनने वाला है। वो पूछो क्यों, तो वो मैं बताऊँ आपको इसलिए के। तो गाइस सबसे पहले आप देख सकते हैं ये मेरी प्यारी प्यारी सी बाइक, तो उस दिन मैंने ये बनवाई थी, तो आज बिल्कुल भाई मेली होगी, गंदी होगी, तो आज इसकी सर्विस बनती है। और दूसरा काम, तो सर्विस का भी सेटिस्फाइंग वीडियो हो गया, और दूसरा काम ये हमारा अनाज वगैरह आया था गाँव से, तो अभी ये हमारी इसको पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं है, सीधी सादी बात है, अपनी स्पीकिंग में इसको बोलते हैं गुंदी। तो आज गुंदी को भाई कलर वगैरह करेंगे अंदर से बाहर से। भाई ये कलर आके मैंने कल रात लेके आया था रऊफ के साथ, रऊफ कलर का काम जानता है तो रऊफ हमें करके देगा। ये ब्रश लेके आए थे, ये ग्लासलेट लेके आए थे, और ये एक ऑयल पेंट का कॉटर, तो ये हमारे पास पड़ा हुआ है। तो आप गेस करें यहाँ से कि कलर कौन सा होगा, तो जोन सा भी होगा तो भाई आज फुली सेटिस्फाइंग वीडियो है। यहाँ पर अनाज पड़ी हुई है और वो वहाँ पर अनाज पड़ी हुई है, आज इसका कलर वगैरह करके इसको धूप में पहले सुखा के अच्छी तरीके से फिर अपना सीधा अनाज वगैरह डाल देंगे। बाकी अभी मुझे जिधर जाना है, जहाँ पर सर्विस है, सर्विस के पास में ऐसे समझो मेरा दोस्त है, तो मेरा दोस्त काम करता है वहाँ पर, तो चलते हैं उसकी तरफ, चाय वगैरह पीते हैं। जब तक हमारी बाइक वगैरह सर्विस होगी तब तक हम चाय वगैरह फिनिश कर चुके होंगे। जया क्या कर रही हो, क्यों हाँ ना करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा। और हाँ अच्छा बात सुनो, ये बर्तन भी सारे धो देना, ठीक है। तो गाइस अभी गाड़ी बाहर घर से निकाल के हैं, वो मेरा घर सामने रहा, तो अभी गाड़ी को करते हैं जी स्टार्ट। देख सकते हैं आप साइलेंसर वगैरह हमने नया डलवाया था, और अपना ट्यूनिंग वगैरह मोबाइल वगैरह जो भी काम था गाड़ी का, और सबसे पहले खास बात गाड़ी की नंबर प्लेट वो भी डलवाई थी। बाकी यहाँ पर समी खड़ा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, तुम बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह ओके, तनवीर लाला तनवीर। तो ये गाड़ी खड़ी हुई है, अभी चलते हैं इसको सर्विस वगैरह करवाते हैं सर्विस स्टेशन से, तो अभी निकलते हैं सीधा उधर की तरफ, ठीक है भाई। लाफिस देखते हो ना आप लोग, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब हर चीज़, ओके पक्का, ठीक है। आज कमेंट कर देना इस व्लॉग पे, डन, नीचे लिख देना समी। तो गाइस वो सामने हमारा बंदा काम करता है, तो पहले अपना गाड़ी सर्विस को दी है, तो ये यहाँ पर सर्विस वगैरह करेंगे, तो फिर चलते हैं उसकी तरफ। बाकी भाई साहब गर्मी की मैं अपडेट दूं आपको, तो इतनी गर्मी है भाई, इतनी गर्मी है कि आईफोन की फ्लैश ही डिसेबल हो गई है। दिन में फ्लैश की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आईफोन बार बार नोटिफिकेशन दे रहा है कि भाई आपका फ़ोन हीट हो गया, हीट हो गया, हीट हो गया। तकरीबन 35 से 37 डिग्री गर्मी है अभी भी, और अपना गाड़ी देख सकते हैं आप, तो गंदी हो गई थी, मैंने कहा सोचा भाई थोड़ी सी सर्विस करा लेते हैं, तो अभी आ गए माशाल्लाह सर्विस स्टेशन। तो यहाँ पर कोई सिविक वगैरह खड़ी हुई है, पहले बहुत सर्विस हो रहा है, उसके बाद तो हमारी गाड़ी सर्विस करेंगे अपना हमारी यूनिक 18। भाई मैंने बोला ना बार बार आईफोन नोटिफिकेशन दे रहा है, हीट हो गया, कैमरा बंद हो ही जा रही है। तो ये कह रहा था यूनिक 18 मॉडल, तो सारी गाड़ी की कीमत एक तरफ और जो मैंने पीछे नंबर प्लेट लगाई हुई है ना, जरा इसको देखे भाई, इसकी कीमत एक तरफ। वाह भाई साहब वाह, जबरदस्त भाई, हमारी गाड़ी सर्विस होना स्टार्ट हो गई है। फाइनली मैं शमन की तरफ आ गया हूँ, तो ये बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इसकी चाय वगैरह इधर कूटते हैं बैठ के आराम से, जब तक हमारी बाइक वगैरह सर्विस हो। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ये कोई गोदाम वगैरह बन रहा है, किसका गोदाम है ये? सर अपना ही है, कारोबार के हिसाब से बना रहे हैं जी। अच्छा इसलिए जी जी। तो ये यहाँ पर आपकी पोस्ट क्या है इधर, मिस्त्री? मैनेजर जी जी, मैनेजर। तो यहाँ पर मैनेजर है, यहाँ पर मिस्त्री वगैरह काम करते हैं, तो यहाँ पर सारा कुछ संभालता है ये बैठ के, मतलब जिसका गोदाम असल में बन रहा है तो उसका बैठ के आराम से समझाता है, मतलब जो सीन होता है, सीमेंट वगैरह आता है भाई, टीयर है, गार्डर है, बहुत सारे काम होते हैं। तो कोई नहीं, बस अभी बैठा हुआ, चाय वगैरह है, इसकी चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद गाड़ी वगैरह निकाल के सर्विस वगैरह हो रही है, सर्विस वगैरह हो जाए तो उसके बाद तू सीधा घर जाते हैं अपना
वो अनाज वाली जो हम अपनी लैंग्वेज में गुंदी बोलते हैं उसको, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं तुम्हें भी पता नहीं होगा ये पता। चले वो जो भी है उसको घर जाके कलर वगैरह करवाते हैं। कलर का मैंने आपको सामान दिखा दिया बिल्कुल सब लेके आए। और ये अपना भाई कैप देखो मेरी, ये भी मैं उस दिन न्यू लेके आया था। कैसी लगी आपको? सही है वही कमशमन कैप, हाँ रिसेंट कलर है ना, ब्लैक तो थी मेरे पास। भाई यहाँ पर बैठ के ये देख सकते हैं गर्मी का इलाज कर रहे हैं हम। तो वहाँ अंदर से गोदाम से तो बाहर उठ के आए, तो ये कोई गोदाम है तो यहाँ पर बैठ गए। चाय वगैरह अभी हमने पी ली है, तो चाय वगैरह पीते हैं भाई। अभी सर्विस वाले की तरफ जाता हूँ, राउफ को कॉल कर रहा हूँ, राउफ कॉल नहीं उठा रहा, वो कॉल उठाए तो फिर अपना कलर वगैरह करवाएं। तो गाइज अभी फाइनली टाइम आ गया है, बहुत देर अपना क्या कहते हैं इसके साथ बातें वगैरह की, तो अभी जा रहे हैं फाइनली बाइक की तरफ। सही है शमन भाई, ठीक है अल्लाह खैर करेगा, तो चलता हूँ बाइक की तरफ, देखते हैं सर्विस हो गई कि नहीं। तो गाइस हमारी गाड़ी देख सकते हैं आप बिल्कुल ही ओके हो गई, बाकी घर जाऊँगा इसको लस्टर वगैरह लगाऊंगा तो और भी ओके हो जाएगी। तो यहाँ पर अली भाई ने हमारी गाड़ी ओके कर दी, मेहरबानी। और अपना कार की सर्विस के कितने लेते हो? 500 फुल सर्विस। और हाफ? हाफ के 300। 300 रुपए। और अपना बाइक के? बाइक 100। 100। अच्छा तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह सर्विस सेंटर, सर्विस स्टेशन बबरलो में ना, सही है। बाकी फोम वाश यार चला हो ना, उसमें ज़बरदस्त वीडियोज वगैरह आते हैं। तो वो फोम वाश की मशीन पर ये पड़ी हुई है, लेकिन थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो कोई बात नहीं, ये जब बनवाएंगे तो इंशाल्लाह फोम वाश होगी, बाकी हमारी गाड़ी ओके हो गई। सही है, अल्लाह हाफिज़। भाई मुझे डर लग रहा था कि स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन स्टार्ट हो गई भाई। भाई हमारी 70 खड़ी हुई है और वो वहाँ पर हमारी सीडू खड़ी हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई इसकी लीकेज बंद हो गई। तो अभी बस चलते हैं सीधा रऊफ की तरफ, यार रऊफ को देखते हैं ना कलर वगैरह करवाएं ना इसको, यार उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे बताओ। यार अभी ये लस्टर पड़े हुए हैं तो अभी सोच रहा हूँ लगाऊं इसको, गर्मी भी है बहुत ज़्यादा। और ये आप अंदर देख सकते हैं अंदर ये, हेलो हेलो ओहे लो ओहे, ठंडा पानी है? हाँ बोलो, गर्म पानी है? हाँ शाबाश। हेलो जानी, अहमद हुसैन नहीं नहीं तुम इधर नहीं जाओ, तुम नहाए हुए हो बेटा, जाओ बाहर। बाकी रऊफ को कॉलिंग कर रहा हूँ कि भाई आ जाओ इसको कलर करें, कलर करें, कलर करें, लेकिन रऊफ कॉल उठा ही नहीं रहा मेरी यार। तो गाइस ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, तो लस्टर वगैरह मैंने आपको दिखाया बिल्कुल ही डन कर दिया लस्टर अभी, तो कपड़ा भी इसको लगेगा एक, उसके बाद तो भाई बिल्कुल 0 मीटर हो जाएगी। और उसके बाद वो जो कलर वगैरह करना था वो देखो मेरा कॉपी कर रहा है, अभी मैंने गाड़ी वगैरह सर्विस वगैरह की है बिल्कुल ओके। क्या देख रहे हो? हेलो वो देखो अभी वर्सलान है, कॉपी कॉपी, वो कपड़ा था हाथ में उसे साफ कर रहा था अपनी बाइक। लेकिन भाई कुछ भी हो बाकी कलर का सीन क्या है, भाई दूध वाला दूध लाया है जो बहन ये लोग, ये हमारा दोस्त मिस्टर हनीफ खान जतोई है ना, आगे आगे वो होगा जो मंजूर है खुदा होगा। तो गाइस अभी रात हो गई है, तो रात को जाके भाई चन्ने साहब को हमने पकड़ा है। भाई साहब हेलो, रात को जाके ये बंदा पकड़ा है मुझसे, वो मेरी बाइक खड़ी हुई है वहाँ पर नजर नहीं आ रही, और यहाँ पर नजफ खड़ा हुआ है और यहाँ पर शाहजेब खड़ा हुआ है। कितना टाइम हो रहा है दिखाओ, 12:26। तो सारा दिन जिसका टॉपिक चल रहा था ये पड़ी हुई है, तो अभी इसको कलर स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बल्ब लगाना लाजमी है। ओके हो गया भाई ओके, लाला मेहरबानी, लाला थैंक यू थैंक यू, रात को तकलीफ दी, माजरत माजरत भाई। अभी ओके हो गया ना, बल्ब चल गया हमारा जबरदस्त जबरदस्त, अभी बस बिस्मिल्लाह करके काम स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये कलर पड़ा हुआ है और ये घासलेट पड़ा हुआ है, भाई सारे घर में अंदर खुशबू हो गई है घासलेट की, तो अभी चलते हैं बाहर। ठीक है ठीक। तो गाइस ये फाइनली हमारा रंग इसमें अंदर उतर गया है, हमारा आज का कारीगर होगा अब्दुल रऊफ चन्ना। रख देने नहीं कर ओए, क्या है डाटी है क्या, तबला बजा रहा है भाई, इसको उल्टा करें ताकि अंदर की जो भी मिट्टी हो सारी नीचे गिर गया, झाड़ू दिया था। आजा आजा, नहीं भर रहा बस, नहीं भर रहा, आजा बड़ा जंग है भाई नीचे अंदर। नए में कर रहे हो काम या करते रहते हो? खड़ी हुई है अभी,
इस पर ओवरऑल सारा मतलब चारों तरफ एक कोट हो गया है, देख सकते हैं। यहाँ से भी डन हो गई और अपना यहाँ से भी डन हो गई बिल्कुल ही। 30 मिनट अभी हम निकल रहे हैं सीधा, थोड़ा सा भूख लगी है तो कुछ खा पी कर आते हैं। तो गाइज अभी रात का टाइम है भाई साहब, सखर की आप खूबसूरती चेक कर सकते हैं। और हम अभी रोड पे देखो ना, एक रोड पे देखो एक बंदा भी नहीं। गाइज फाइनली अभी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट पर पहुंच गए, ये है जी सखर का सिंध ग्रीन रेस्टोरेंट। गाइज पहले दूसरी जगह पर बैठे थे तो अभी उठ के दूसरी जगह पर आ गए। तो गाइज फाइनली ये हमारी अपना कढ़ाई आ गई है। रात का टाइम है, बत्ती हमारी गोल हो गई है, एक तो बोला ही नहीं जा रहा वीडियो में बिल्कुल। तो ये कढ़ाई वगैरह आ गई है तो ये अभी खाते हैं, इसको फिनिश वगैरह करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अरे वो कलर वाले हाथ थे खैर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो गाइस खाना वगैरह हमारा हो गया बिल्कुल डन। भाई अभी पड़ोस में आए लेकिन अभी भी कलर की हालत कुछ ऐसी है भाई, ऑयल पेंट इतनी देर के बाद सूखता है, मैं आपको क्या बताऊं। अभी भी नहीं सूखा, हम इतना घूम फिर के वापस आ गए, खाना वगैरह खा कर वापस आ गए। हाँ क्या कर, पंखा हो तो फिर ये सूख जाता जल्दी जल्दी। हाँ ये देख सकते हैं इसकी सतह भी नीचे, चलें देखते हैं क्या होता है। अभी हम कह रहे हैं बाहर से ये कोट लगा ले तो हमारा काम हो जाए फाइनल। बहरहाल ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में इसका मैं फाइनल रिजल्ट आपको दूंगा। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।